बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फूड चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको घर पर नहायत ही आसान तरीके से चिकन कढ़ाई बनाना बता रही हूँ। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिए, 2 दरमियाने साइज के चॉप प्याज, 2 दरमियाने साइज के चॉप टमाटर, 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स गर्म मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसे बनाती हूँ। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने इस तरह से कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन की है। इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। सारा चिकन इसमें डाल देंगे। सारा चिकन इसमें मैंने शामिल कर दिया। मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी, तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। चिकन को घी और प्याज के साथ फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गया। अब मैं इस पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसे भी 2-3 मिनट चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए। ये देखें, चिकन का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया और लहसुन अदरक को भी मैंने चिकन के साथ अच्छे से भून लिया। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी और टमाटर को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। चिकन को अच्छी तरह से मैंने टमाटरों के साथ फ्राई कर लिया। ये देखें, टमाटर अच्छे से गल गए और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें धनिया पाउडर, मिक्स गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स करके इन सब अज्जा को अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लेंगे। चिकन की भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गए। ये देखें, चिकन को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें दही शामिल कर दूंगी। सारा दही इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब मैं 1-2 मिनट इसे चिकन के साथ भून लूंगी। चिकन में दही को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से गल गया। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, कटी हुई अदरक, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया, 5 मिनट और इसकी फ्लेम बंद करके इसे ऐसे ही 5 मिनट रहने देंगे। चिकन को रखे हुए 5 मिनट हो गए। ये देखें, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।